हे व्हाट इज अप गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप हमेशा की तरह आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। जैसे कि आप लोग टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज हम लोग बहुत ही नॉस्टैल्जिक गेम के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब नॉस्टैल्जिक सीजन के बारे में, जो कि है सीजन 1 ऑफ पबजी मोबाइल। जी हाँ गाइस, ये वही सीजन है जहाँ से इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई, जहाँ से बहुत ही बड़े बड़े चैनल्स की शुरुआत हुई। तो ये वही गेम है जिसकी मतलब आज इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। तो सीज़न 1 के टाइम पे गाइस क्या चीज़ है ना कि सीज़न 1 के टाइम पे ना तो बहुत ज़्यादा है मतलब हैकर तो थे ही नहीं, और मैप भी एक ही हुआ करता था। और मैं खुद सीज़न 1 के टाइम से खेल रहा हूँ, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें बता सकता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि किल फीड, जैसे जोन और किल मैसेज और गाड़ी की साउंड्स, गन साउंड्स, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, गन्स चेंज हुई हैं। इवन थॉम्सन जो है वो ड्रॉप में आया करते थे गाइस, थॉम्सन जो है टॉमी, उसकी 50 एमओ लगते थे उसमें, और M249 थी नहीं, M24 जो है, M24 वो भी ड्रॉप पे आती थी, AWM थी नहीं, और बहुत सारे नए नए चेंजेस हुए। तो हम लोग आज मैं आपको फर्स्ट सीजन का एक गेम प्ले दिखाना चाहूँगा, आपको बताऊँगा कि कैसी गाड़ी की आवाज़ है, क्या चीज़ है, हैकर बिल्कुल नहीं थे, ना लैग होता था, ना कुछ, इतना बढ़िया गेम चलता था। तो आज आपको मैं लेके चलूँगा बहुत तो नहीं, एटलीस्ट 2 साल पहले आपको अपनी पुरानी यादों में। अगर आप सीज़न 1 या 2 से खेल रहे हैं तो आपको आपकी पुरानी यादों में लेके चलता हूँ। और एक और चीज़ गाइस जो मैं बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को, ये जो गेम प्ले है ये मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, ये गेम प्ले और ये आवाज़ भी मेरी नहीं है, ये दूसरे चैनल से मैंने ली है। क्योंकि गाइस ना मुझे सीज़न 1 का कोई गेम प्ले मिला, ना कुछ मिला, तो मैं आप सभी के लिए मैं वो गेम प्ले नहीं ला पाया। तो अगर आपको उनके चैनल जिनसे मैंने ये लिए उनको मैं फुल क्रेडिट देता हूँ इस चीज़ का, और उनका चैनल अगर आपको चेकआउट करना है तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाकर आप उनके चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं मिलते हैं वीडियो के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं, अब जो आप गेम प्ले देख रहे हैं ये सीज़न 1 का गेम प्ले है, और ये वीकली साइन इन बोनस जैसा कि अभी मिलता है वैसे पहले भी मिलता था। इन्वेंट्री का ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर की तरफ है, अभी जो है नीचे की तरफ कर दिया है पबजी वालों ने, पहले ऊपर की तरफ था। और इन्वेंट्री में ज़्यादा चीज़ें है भी नहीं, क्योंकि उस टाइम इतनी ज़्यादा आउटफिट्स वगैरह पबजी ने निकाली नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पबजी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था। और यहाँ पर मोड आप देख सकते हो, मोड एक ही है, बस आप सोलो डुओ स्क्वाड खेल सकते हो, मैप भी वही रहेगा। और ये जो लोडिंग स्क्रीन आप देख सकते हो, ये पहले कैसे आती थी सीज़न 1 में, तो ये सीज़न 1 का गेम प्ले है ना, मतलब कोई कन्फ्यूज मत हो जाना कि कुछ एडिट वगैरह कर रखा है, कुछ भी एडिटेड नहीं है, ये प्योर गेम प्ले है सीज़न 1 का। और यहाँ पर ये आ चुके हैं जो मतलब प्लेन में जाने से पहले हम जहाँ पर रहते हैं, ये सब बंदे कुछ मतलब काफ़ी ज़्यादा तो बॉट ही होंगे और कुछ कुछ बंदे ही होंगे, क्योंकि उस टाइम रियल बंदे तो बहुत कम थे, क्योंकि पबजी यार उस टाइम इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। और गाइज यार यहाँ पर मैं आपको पूरा गेम प्ले नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अगर देखो पूरा गेम प्ले दिखाऊंगा ना तो पूरा गेम प्ले होता है लगभग आधा घंटा तो लगता ही है, मतलब एक गेम प्ले को खेलने के लिए, मतलब जो मेन जगह है, कुछ कुछ साउंड्स जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि पहले इस गन का साउंड कैसा था, पहले इस गाड़ी का साउंड कैसा था, कुछ टेक्स्चर, कुछ ग्राफिक्स जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वही मेन चीज़ें आपको दिखाऊंगा, वरना पूरा गेम प्ले मैं आपको दिखाऊंगा अभी ना तो आप यार बोर हो जाओगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो चलो अब सीधा हम पैराशूट में चलते हैं। तो पहले तो ये आप मैप देख लो, और मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपको मैप में कुछ चेंजेस लग रहा है क्या, क्योंकि मैंने यार इस गेम प्ले में ज़्यादा गौर नहीं किया, तो मुझे तो यार कुछ भी चेंजेस नहीं लगा। अब आप कमेंट करके बताना, क्या पता कुछ चेंजेस हो, क्योंकि मैं इतना ध्यान से नहीं देखा है अभी तक ये मैप की, इस मैप में कुछ चेंजेस है या नहीं है। और हाँ, ये आप चेंजेस देख सकते हो, ये जो प्लेन है अभी तो क्या है, जैसे प्लेन दिखता है, ये जो प्लेन पाथ होता है उसमें अभी प्लेन दिखता है, लेकिन पहले देखो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको प्लेन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर बस आपको सर्कल सा दिख रहा है और उसकी डायरेक्शन दिख रही है कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो चलो यार अब जल्दी लैंड कर जाते हैं, और यहाँ पर हमारी लैंडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। पहले क्या था ना, जब सीज़न 1 आया था लोगों को इतना ट्रिक वगैरह पता नहीं था कि कैसे लैंड करते हैं, लेकिन अभी तो क्या है ना, मतलब एक एक बंदा जानता है किस एंगल में कब जंप मारनी है, कैसे ले जाना है, 750 मीटर्स पर जंप करनी है, मतलब हर कोई जानता है, मतलब हर कोई प्रो बन चुका है आज के टाइम पे। उस टाइम ऐसा नहीं था, उस टाइम मतलब बस जंप करनी है, कैसे भी जंप कर दो, बस मतलब कुछ भी दबा दिया, पैराशूट दबा दिया, चाहे जॉयस्टिक मूव करो ना करो, पहले तो कोई कैसे भी जंप कर देता था। क्योंकि पहले क्या होता था ना, बंदे भी इतने यार प्रो होते नहीं थे, मतलब इतना कॉम्पिटिशन नहीं था, अभी तो यार मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो चुका है। खुद आप बताओ कि आज के पबजी में क्या आप इस तरीके से लैंड करना चाहोगे, बिल्कुल नहीं, आप तो ऐसे कतई लैंड नहीं करोगे। तो चलो यार अब हम थोड़ा सा गेम प्ले देख लेते हैं, मतलब बंदे पेल लेते हैं। तो
यहाँ पर हमें एक क्रॉसबो मिल चुका है। और यार वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूँ है ना, ये गेम प्ले मैं अभी खेल नहीं रहा हूँ, कोई यूँ मत समझना कि क्या पता अभी मैं इसे खेल कर डाल रहा हूँ। ये जो गेम प्ले है वो पुराना गेम प्ले है जो कि मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, और ये मैं नहीं खेल रहा हूँ, इसका क्रेडिट जाता है टैप गेम प्ले यूट्यूब चैनल को। तो उनके चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सामने की तरफ आपको एक इमेज देखने को मिल रही होगी दीवार पर, जो कि यार अभी तो हाल फिलहाल नहीं है पबजी में, लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक था वो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन आप देख सकते हो ये इमेज है। और बाकी यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सब कुछ वैसा ही आपको दिख रहा होगा, ये घर वगैरह सब कुछ आपको वैसा ही दिख रहा होगा। और अभी हम यहाँ पर घर से थोड़ा बाहर निकल कर आ चुके हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको डिफरेंट लग रही होगी कि दूर के जो भी आपको पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं ना, वो आपको थोड़े ब्लर से दिख रहे होंगे, जो कि अभी ऐसा नहीं है। अब सामने की तरफ देखो, ये शायद क्वेरी है, सामने की तरफ जो भी आपको पहाड़ दिख रहे होंगे वो आपको थोड़े ब्लर ब्लर दिख रहे होंगे, एकदम मतलब क्लियर नहीं है। क्योंकि पहले यार मतलब ऑब्वियसली बात है, जब कोई गेम चलेगा तभी तो मतलब जो उसके क्रिएटर है तभी वो मेहनत करेंगे उस गेम पे। अभी आपको मतलब आप कितने भी दूर हो आपको मतलब एकदम ढंग से दिख जाता है अगर आप ठीक ठाक सेटिंग्स में खेल रहे हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं दिखता था। पहले दूर के जो है वो थोड़े ब्लर से दिखते थे, और पास जाने पर ही वो एकदम क्लियर होते थे। और अभी आप जो नीचे की ग्रास वगैरह है वो भी देख सकते हो कि वो कैसी है, मतलब ज़्यादा चेंजेस तो नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा। और ये बीच बीच में जो शैक होते हैं वो भी वैसे के वैसे ही हैं, ये अभी भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इतना ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है, लेकिन अच्छा था यार। तो अभी मतलब कुल मिला के तो अब यार यहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें तो देख ली होगी, लेकिन एक चीज़ मैं अब आपको कमाल की दिखाता हूँ कि पहले बगी जो होती थी मतलब उसका साउंड कैसा था। मतलब अभी जो बगी का साउंड है और पहले वाली जो बगी का साउंड है वो मतलब बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल मतलब डिफरेंट साउंड है, आपको ऐसा लगेगा किसी बाइक की आवाज़ है। तो सुनो कैसी आवाज़ है इसकी। तो यहाँ पर बगी की आवाज़ तो आपने सुननी होगी, लेकिन पीछे की तरफ से कोई फायर कर रहा था। अब देखो जो ये मेरा करेक्टर है ये उसे कैसे मारता है। और अभी इस बंदे ने जिस गन से उसे मारा आपको तो पता ही होगा वो गन कौन सी है, जिसे आप लोग अभी बहुत ही ज़्यादा मिस करते हो, तो वो है UMP 9, जिस जो कि पहले 9mm एमओ लगती थी इसमें, और ये अभी लास्ट सीज़न हुई थी या फिर इस सीज़न UMP 45 में कन्वर्ट हो गई, मतलब इसमें 0.45 वाली जो वाइट कलर की एमओ होती है वो लगती है अभी इसमें, तो पहले ये था।
और यहाँ पर गाइस शायद आपने एक चीज़ गौर करी या नहीं करी, अगर आप ऊपर मिनी मैप खोल के देखोगे तो जो ब्लू जोन आ रहा है उसमें आपको कैसा एक ब्लू कलर का मार्क दिख रहा होगा। अभी क्या होता है, अभी जो भी ब्लू जोन का एरिया होता है वो ब्लू ब्लू पूरा जोन ही जो है पूरा एरिया ही ब्लू ब्लू दिखता है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि मतलब एक मार्क आता था केवल गोल गोल कलर का ब्लू मार्क, और वही ऐसा मतलब छोटा होता जाता था। सो यार गाइज, आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और ये मैंने वीडियो दूसरे के चैनल से ली थी तो उनका क्रेडिट पे मैं उनको दे चुका हूँ और उनका चैनल भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपको आपकी पुरानी यादें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने सभी पबजी फैंस अपने सभी पबजी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो जिनसे आप पबजी के अंदर मिले हो और आज आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हो, उनके साथ भी शेयर करना क्योंकि पबजी ने ऑब्वियसली आप लोगों को मिलाया है। और बस ऐसे ही गेमिंग कंटेंट के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि इस पे गेमिंग लाइव स्ट्रीम और कंटेंट गेमिंग रिलेटेड आता ही रहता है। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, मैं मिलूँगा आपको एक और बढ़िया किसी बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।